जय महाकाल दोस्तों, नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निफ्टी 18,000 के पार ट्रेड कर रहा है, बड़ा मजा आया। तो सबसे पहले उन सभी भाइयों को जो बहुत परेशान थे इस बात को लेके कि सर आपने तो बोला था होली के बाद मार्केट को हरा रंग पसंद होगा, कहाँ चला गया वो हरा रंग, ये तो गुलाबी भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल लाल हो गया। तो ऐसे सब जवाब उनको मिल गए होंगे। दोस्तों, कभी भी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट टाइमिंग कोई नहीं कर पाता है, तो फिर मेरी तो औकात क्या है? ठीक है, मैं सिर्फ अपने एनालिसिस, अपने प्रयास, अपना अध्ययन आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। और हमारी वीडियोस का मकसद कहीं से कहीं तक मार्केट में बहुत ज्यादा ऐड करना, बहुत बड़े यूट्यूबर के तरीके से काम करना और ये सब नहीं है। आप इतने टाइम से देख रहे हैं, जो लोग हमसे साथ में जुड़े हुए हैं, कि हम सिंपल एक मोबाइल से वीडियो बना के उसको अपलोड करते हैं सिर्फ आप जैसे सभी भाइयों को जो बहुत हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं और हमारे साथ हैं, हमारी मेहनत को, हमारी स्टडी को रिस्पेक्ट करते हैं, उन सभी को हम ये अपनी स्टडी और अपने विचार शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। असामाजिक तत्व से मैं बहुत दूर रहता हूं और आपको भी ये सलाह दूंगा कि आप भी बहुत दूर रहिए। मार्केट में हर वो शख्स, हर वो व्यक्ति असामाजिक तत्व है जो हर वक्त ये बोले मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा बखान, जो अपना बखान करता रहे, वो आइडेंटिकल क्राइसिस का बीमारी से जूझ रहा है। उसे एक आइडेंटिकल क्राइसिस की बीमारी है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचें, वो अपने लिए भी और आपके लिए भी बहुत खतरनाक हैं। तो दोस्तों, मेरी बातों को ज्यादा गुस्से में या इस तरीके से मत लीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और ये मार्केट में ही नहीं, ये हर क्षेत्र में है, इसलिए हमें ध्यान देना है एक सकारात्मक विचार पर और एक सकारात्मक अध्ययन पर, और बातों को किस तरीके से हम समझ के आगे अपने निवेश को बढ़ाएं, हमें इन बातों पर ध्यान देना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी निवेशक होता है उसके लिए बाजार में हर समय अवसर होते हैं, बस उसे उन अवसरों को खोजना पड़ता है। कई बार वो अवसर इतने ज्यादा इजी तरीके से अवेलेबल होते हैं कि उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या ज्यादातर अवसर खोजने पड़ते हैं। तो अवसर को खोजना पड़ेगा, मार्केट इतना आसान नहीं है अभी फिलहाल। और इस बात को मैं एक ही बात बोलूंगा सबके लिए, जो लोग ये करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, देखिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं वीडियो में, मैं लेवल्स पे ध्यान देके आप लोगों के साथ में अपनी बातों को शेयर करता हूं। कभी मैं ऐसे नहीं बोलता, हमेशा शेयर करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा लास्ट वीक का वीडियो सुना हो, तो लास्ट वीक हम लोगों ने क्या बात करी थी कि ज्यादातर लोगों का जो लेवल है वो 17,930 950 के आसपास है, लेकिन मेरे लेवल दो हैं। आप सुनिए उस वीडियो को, 18,080 और 18,170 मैंने ये लेवल बोले हैं, आप देखिए। और उनमें से एक लेवल का टारगेट फ्राइडे ही आया है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, 3 बजे के बाद ही, मेरे ख्याल में वो 3 बजे के बाद ही वो टारगेट आया है 18,080 वाला।
अभी 18,170 वाला टारगेट पेंडिंग है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में डिस्कशन करता हूं मैं तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार आपसे बात करने का मन होता है वीडियो में, तो प्लीज वीडियो में बने रहें। मैं अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे लेके चलूंगा आपको। और हां, एक मल्टीबैगर शेयर बताऊंगा आज की वीडियो में सबके लिए। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, हमारे डीटीएस ग्रुप में भी दो तीन भाइयों ने बोला कि सर कोई मल्टीबैगर स्टॉक बताओ अगले दो चार पांच साल के लिए। सुधीर शर्मा स्टॉक मार्केट लर्नर में भी दो तीन लोगों ने बोला, इन्वेस्टिंग जागरण में भी बोला, ठीक है क्रोकोडाइल ट्रेडर्स में भी एक दो लोगों से मेरे मैसेज आए, मोमेंटम स्टॉक बुक के मेंबर्स जो हमारे पेड सर्विस है उसके भी मेंबर आए, उनके मैसेज आए कि मल्टीबैगर तो बताओ भाई, बहुत टाइम हो गया। हालांकि उनको बहुत मल्टीबैगर बता चुका हूं, और हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जानते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स में जब देता हूं तो बिल्कुल क्लियर डिफाइन तरीके से ही मैं बात करता हूं उस पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक मल्टीबैगर स्टॉक की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में आज मार्केट के दो इंपॉर्टेंट लेवल फिर से दोहराऊंगा जो लास्ट वीक के थे, उन लेवल पे आपको ध्यान रखना है और उन लेवल के हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो पहला लेवल फिर बोल रहा हूं 18,080, और दूसरा लेवल फिर बोल रहा हूं 18,170। ये जो 18,170 का लेवल है, अगर इस लेवल पे मार्केट दो दिन भी सस्टेन कर गया, क्लोज कर गया अपने आप को, तो यहां से कम 400 पॉइंट ऊपर खटाक, कहीं बीच में स्टॉप ही नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि भाई नहीं आप कैसे बोल रहे हो, ये मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। आपको याद हो कि मैंने एक ही बात बोली है कि अभी तक लेवल वही मेंटेन है, ये लेवल जब तक मेंटेन रहेंगे दोस्तों, जैसे मैं आपको 17,400 का एक लेवल बोलता हूं ना कि 17,400 के नीचे गया तो 400-600 पॉइंट नीचे, 17,400 के ऊपर गया तो 400-600 पॉइंट ऊपर, हमेशा ये बात बोलता हूं, कई वीडियो में बोली है, आज भी वही बात है, बिल्कुल वही चीजें मेंटेन है। बस ये बातें कब पलटेंगी, जब मार्केट 19,000 के ऊपर कोई अपना नया हाई बना लेगा। 19,000 तक के हाई को मैं लगभग 18,600 के हाई के आसपास ही मानूंगा, तो लेवल लगभग वही रहेंगे, 50-30 पॉइंट का हेरफेर रहेगा बस, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए मार्केट में एक जब नया हाई बन जाएगा उसके बाद लेवल्स चेंज हो जाएंगे, तो ऐसे लेवल्स बहुत समय बाद चेंज होते हैं। जैसे 2015 तक जो मेरे लेवल थे, जब तो मैं YouTube वगैरह पे बोलता भी नहीं था और बस अपने ही जो इन्वेस्टर्स थे उनसे ही बात करता था, और उस टाइम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह भी ज्यादा नहीं चलती थी, आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे प्रोफेसर हैं, हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं है उनके सामने, ऐसे ऐसे प्रोफेसर मौजूद हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी उस वक्त इतनी ज्यादा चरम सीमा पे नहीं थी, आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, टेलीग्राम शोध कार्यालय ये बहुत ज्यादा चल गए हैं। तो मैं उस वक्त 2015 तक हमारे वही निफ्टी के लेवल मेंटेन थे जो 2010 तक थे, 2010 से 15 पांच साल तक सेम लेवल चले, और ये 2021 से सेम लेवल चल रहे हैं अभी, तो देखते हैं कब तक चलते हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में एक बात और बोली थी कि मार्केट एक नई उड़ान की तरफ तैयारी कर रहा है, और नई उड़ान के लिए मार्केट अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, मई जून में बस थोड़ा संभल के कार्य करना है। मैं ये भी बोलूंगा 18,170 के ऊपर तेजी तो रहेगी, नो डाउट तेजी तो बनेगी, लेकिन तेजी के साथ साथ हर वक्त दिमाग में एक ही बात रखनी है कि कभी भी मुझे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ सकता है, तो आप उस लिहाज से अपनी पोजीशंस बनाएं।
लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने का टाइम हर जगह होता है, हर जगह इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी मेरी इस वीडियो को सुने, प्लीज कमेंट कीजिए। 2022 की करेक्शन में मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हमारे हैं 5 in 5 स्ट्रेटजी में, आज मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में, इससे पहले कभी हमने कभी बात नहीं करी और ना ही मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूं यहां पे, कि मैं एक 5 in 5 पोर्टफोलियो इन्वेस्टर स्ट्रेटजी चलाता हूं जिसमें 5 साल में 5 गुना तक के टारगेट हमारे ऐसे शेयर्स होते हैं ये जहां पे हम अचीव करते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है महाकाल के आशीर्वाद से और मैं समझता हूं अब भी होगा कि 5 साल में 5 गुना वो शेयर्स हो जाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को मैंने जो 2020 में पोर्टफोलियो बनवाया उसमें कई शेयर्स जैसे कि रेडिको खेतान, KPR मील, मास्टेक, हैदराबाद इंडस्ट्रियल लिमिटेड HIL, सफारी, ऐसे तमाम शेयर्स 4 से 5 गुना हो चुके हैं। फिनोटेक्स केमिकल्स, HFCL 3 गुना कम से कम हो चुका है, ठीक। JSW एनर्जी, और तो और बोलूं HBL पावर, ₹15, ₹16, ₹18 पे एंट्री और आज 118, दुनिया बोल रही है खरीदो। ऐसा ही एक मल्टीवैगर शेयर, उसका नाम सिर्फ बताऊंगा आज, टारगेट वारगेट कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के कोई टारगेट नहीं होते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट करता है, पोजीशन को ट्रेल करता है, कंपनी पे ध्यान देता है, फालतू टारगेट के चक्कर में नहीं पड़ता है। और ये टारगेट्स मैंने कभी नहीं दिए जिन शेयर्स के नाम लिखे हैं बताएं आपको, उनमें सिर्फ यही बोला है कि 4 से 5 गुना यानी कि 400-500% का पोटेंशियल है, ट्रेल करिए, पता नहीं कब आ जाए। जल्दी आ गए बहुत अच्छी बात है, देर लगती होल्ड करते। ऐसे कई स्टॉक हैं अभी जिन्हें हम होल्ड कर रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं और मैं होल्ड करवा रहा हूं और मैंने भी होल्ड किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बिजनेस है, बिजनेस धीरे धीरे चलेगा और कब चलेगा कैसे चलेगा वो महाकाल जानते हैं, मैनेजमेंट जानता है और थोड़ा घर अनुमान हम भी लगा लेते हैं। तो उस हिसाब से हमने उन चीजों को इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ है और आप भी इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए। तो 18,170 के लेवल को ध्यान रखना है मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक नहीं, आने वाले पूरे मई वीक के लिए, मई मंथ के लिए 18,170 के ऊपर करीब 400 पॉइंट की तेजी बनने को बेताब है मार्केट, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि बनती है या नहीं बनती है 18,170 एंड 18,170 के नीचे मैं सेल ऑन राइज में ही बैठा हूं। 18,170 के ऊपर जब 2 दिन क्लोज करे, पिछले 10 दिन के वॉल्यूम से 50% ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम 2 दिन का, 18,170 के साथ, इस लेवल के साथ, तो मार्केट में 400 पॉइंट की तेजी हम और देखेंगे। लेकिन मार्केट एक करेक्शन का वेट कर रहा है। अब दोनों बातें मैंने बिल्कुल क्लियर, कोई इफ बट है ही नहीं अपनी वीडियो में, कभी नहीं हुआ ऐसा हो तो ऐसा देख लेना वैसा देख लेना कुछ नहीं चक्कर, क्लियर कट जो बात है आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। चलिए बहुत टाइम हो गया, बोले यार पोर्टफोलियो मल्टीबैगर शेयर तो बता दो, हैं इसी का तो इंतजार है, 15-13 मिनट इतने फालतू बोल दिए, इसको जल्दी से खींच के वो मल्टीबैगर शेयर बताओ यार फटाफट। मल्टीवैगर शेयर एक दिन लिया और अगले दिन 500% हो जाए ऐसा सोच रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता, बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है। जैसे गोकुल एग्रो बताया था अपने जन्मदिन के अवसर पे, अब वो आपको 2-3-4 साल तक सिखाएगा, ऐसी इतना खिसिया देगा कि आप बेच देंगे, नायिका इतना खिसिया देगा कि आप बेच देंगे, बहुत लोग तो बेच चुके होंगे, बोले क्या यार ये टेक्निकल सेटअप खराब, चार्ट खराब, बेकार कंपनी, आपको बिल्कुल ऐसा इरिटेट करेगा। मार्केट का काम है ये, बिजनेस का काम है ये, हर किसी के थोड़ी ना हाथ लगता है, ठीक है। तो आज का एक शेयर जो अच्छा
प्रदर्शन कर सकता है। एक बहुत समय बाद उसके अंदर जो दो बातें क्रिएट हो रही है, दो हिंट देता हूं मैं उसमें। देखिए, सबसे पहले जिस सेक्टर से वो आता है उस सेक्टर में उसका जो परफॉर्मेंस है सेल्स को लेके वो बहुत धीमा है, सेल्स बहुत स्लो है उसकी। लेकिन उसके सेल्स के साथ, सेल्स में दो पहलू होते हैं दोस्तों, एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल, यानी कि आप उधार बेचते हैं और नगद बेचते हैं। तो इसकी सेल स्लो है लेकिन इसकी सेल उधार से ज्यादा नगद है, और इसने अगर उधारी भी बेची है तो इसकी जो डेटर्स हैं वो बड़े ही सधे हुए, बड़े ही परिपक्व और बहुत ही सोच समझ के इसने अपने डेटर्स को बनाया है। तो इसके जो डेटर्स का जो टर्नओवर है रेशियो है, और डेटर्स से प्राप्त जो धन है यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो बहुत अच्छा है। इसलिए ये वाला शेयर मुझे थोड़ा सा और जो शेयर है उनसे अच्छा लग रहा है। शेयर जरूर स्मॉल कैप से है और स्मॉल कैप का टाइम आएगा, स्मॉल कैप के बगैर तो मार्केट है ही नहीं। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप के बगैर मार्केट नहीं होता है, आपको मालूम है ये भी बात। अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो 100-200 कंपनी लार्ज कैप है, उसके बाद तो सब स्मॉल कैप और मिड कैप ही है, तो मार्केट जो चलता है वो तो स्मॉल कैप मिड कैप से ही चलता है ना। तो ये स्मॉल कैप का शेयर है और शेयर का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। आप पंजाब एंड सिंध बैंक में, देखिए मैं आपको बताऊं, पंजाब एंड सिंध बैंक को मैंने 3 मार्च को, मैं आपको दिखा देता हूं, आप कहेंगे देखिए मैं पेड क्लाइंट्स के साथ में थोड़ा सा अन्याय कर रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने अभी खाली उन्हें रिव्यू रेंज दी है, लंबे टारगेट हैं, टारगेट वगैरह वीडियो पे नहीं बना रहा हूं, तो थोड़ा सा जस्टिस है उनके साथ में। देखिए ये अगर आपको दिख जाए, मैं इस मोबाइल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए एक सेकेंड, देखिए ये पोस्टर है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं शेयर कर दूंगा। वैसे देखिए अब दिख गया होगा, पंजाब एंड सिंध बैंक का ये पोस्टर है, और ये जो पोस्टर है पंजाब एंड सिंध बैंक का, ये मैंने करीब बनाया था 3 अप्रैल, ये 3 अप्रैल को बनाया, और इसकी जो बाइंग रेंज थी 17 से 23 रुपया थी, और 17 से 23 रुपये में ये आया करीब। मैंने अपने सभी दोस्तों को बोला हुआ था, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको बात करी हुई थी, और मैंने बोला था उनसे कि भाई ये जब भी आए इसको एक बार ज़रूर खरीदिएगा। तो इन्होंने इस पर नज़र बना के रखी, तो लोगों ने बोला कि सर 25 रुपये चल रहा है, 24 रुपये चल रहा है, क्या करें। मैंने कहा खरीदो, 1-2 रुपया ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। मेरी पहली रिव्यू रेंज ही 36 रुपया थी, वो लास्ट फ्राइडे आ गई। तो हमारे इन्वेस्टर जानते हैं कि ये रिव्यू रेंज है। देखिए दो चीजें होती हैं हमारे पोस्टर में, एक होती है टारगेट, एक होता टारगेट और एक होता रिव्यू रेंज। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। टारगेट का मतलब यह है कि टारगेट आया, अपना माल वहां बेचो और पैसा बनाओ और बाहर आ जाओ, इसे कहते हैं टारगेट। लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होते हैं उनमें हम कोई टारगेट ही नहीं रखते, उनमें रिव्यू रेंज होती है। आपको रिव्यू करना है टाइम टू टाइम कि अब आगे क्या करें, आगे पोजीशन को ट्रेल करें या पोजीशन से एग्जिट करें, इसलिए वहां पर रिव्यू रेंज रखी जाती है। और पंजाब एंड सिंध बैंक को 23 रुपए पे मैंने देखे अभी अप्रैल में, 36 रुपए की रिव्यू रेंज थी, 36 से 42, तो 36 रुपया रिव्यू रेंज में वो आ गया है।
अब यहां पे एक भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बिल्कुल पैनिक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगली रिव्यू रेंज स्कीम मिलने वाली है और अगली रिव्यू रेंज 56 से 62 रुपए होगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन आगे कब तक ये चलेगा ये सब मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मल्टीबैगर स्टॉक के लिए मैंने आज आपको एक नाम सुझाया है, लेकिन इसमें बिल्कुल ताबड़ तोड़ मंडे को ही जंप नहीं करना है। सोमवार या मंगल, सॉरी सोमवार की तो शायद छुट्टी है ना इस बार, है ना, तो मंगल में ही खुलेगा मार्केट, 1 मई की तो छुट्टी है। यहां पे हमें स्टॉक में वॉच लिस्ट में स्टॉक को रख के 10-5 शेयर खरीद लेते हैं, उसके बाद जब भी ये बाइंग रेंज में आए यानी कि 17 से 23 रुपए के बीच में जब आए, 24-25 भी आ जाए तो हमें खरीदना है, इसके ऊपर नहीं खरीदना, नहीं महंगा नहीं खरीदना, हमेशा फेयर वैल्यू पे स्टॉक को खरीदना है। तो जब कभी भी आए 50 शेयर ऐड कर लो, फिर आया 10 शेयर ऐड कर लिए, 20 शेयर ऐड कर लिए, और अपना एक माइंडसेट बनाओ कि मुझे इस शेयर में 1 लाख लगाना है या 50,000 लगाना है या 2 लाख लगाना है, जो भी लगाना है उतना पैसा सिर्फ डालना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि शेयर आपको बहुत मिलते रहते हैं। हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है 5 in 5 स्ट्रेटेजी, उसमें आपको शेयर्स मिलते रहते हैं। 5 साल का दौर है दोस्तों, 5 साल में बहुत शेयर मिलते हैं। स्टार्टिंग में हम 8 से 10 मल्टीबैगर स्टॉक्स देके आपका पोर्टफोलियो मैनेज करवाते हैं, बनवाते हैं, और धीरे धीरे उनमें शेयर्स को बढ़वाते हैं, और जैसे जैसे जिस जिस शेयर का टारगेट पूरा हो जाता है, हमें लगता है कि अब आगे बिजनेस में उतना पोटेंशियल नहीं है, हम उनको स्विच करवाते हैं एक नए शेयर में। इस तरीके से आपकी कैपिटल भी कंपाउंड होती है और आपका पैसा भी अच्छा बनता है। तो मेरा यही आप लोगों के साथ में आज बातचीत थी इस वीडियो में, उम्मीद है आपको मेरी ये बातचीत, मेरा ये एनालिसिस मार्केट को लेके अच्छा लगा होगा। बस यही ध्यान रखना है कि मई जून के बीच में एक करेक्शन तो बाकी है ही, लेकिन उसके पहले 18,170 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो तेजी बनेगी 400 पॉइंट की, 300 पॉइंट की, और अगर नहीं निकलता है तो वहीं से अगर पलट गया मार्केट तो मार्केट में आपको ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट एक नई उड़ान के लिए तैयार है, तो मार्केट में आप 2 महीने का समय थोड़ा कॉशियस होकर बिताएं, उसके बाद में आप देखते हैं 15-16 जुलाई के बाद में देखते हैं मार्केट की क्या स्थिति बनती है, और समय मिलने पर हम ऐसे ही वीडियोस आपके साथ लेके आते रहेंगे। दोस्तों अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका मन करता है तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखें, जय महाकाल।